हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी 12th क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें कि आपने एक्सरसाइज 11.1 के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को सीखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप 40 नंबर से आगे के क्वेश्चन देखेंगे और ये लेवल 1 चल रहा है, क्योंकि आप आरडी शर्मा बुक पढ़ रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 में लगभग 50 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, बट यहाँ पर मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको लेवल 2 के क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। और जो आपके क्वेश्चन बच रहे होंगे वो आप क्वेश्चन में भी कर लोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं और आज क्वेश्चन जो 2-3 और लेवल 1 के हैं उनको देखते हैं। आफ्टर दैट हम लेवल 2 पे काम कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है लेवल 1 का ही है। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 47 और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देखिएगा कि आपके पास में जो 47 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। 1 + cos a + sin a upon 1 + cos a minus sin a is equal 1 + sin a upon cos। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 + cos a + sin a upon 1 + cos a minus sin a। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान देना है कि हम कैसे करेंगे इसको। आप देखिए कि इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1 + cos a + sin a upon cos a + 1 - sin a। ओके डियर स्टूडेंट्स, या आप ऐसा कर ले जैसा आपने डिनोमिनेटर में बनाया, ऐसा ही आप न्यूमिनेटर में भी बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कॉस को हटाइए, आप यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पर आप कॉस कर दीजिए प्लस ऐसे, तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो टर्म आपके वही हैं, यहाँ पर हमने अपना आगे काम करने के लिए यहाँ पर कॉस को आगे कर दिया, यहाँ पर कॉस को आगे कर दिया और 1 को पीछे कर दिया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हम कॉन्जुगेट कराना चाहते हैं, तो कॉन्जुगेट किसका कराएंगे, 1 - sin a upon 1 + sin a, इस तरह से दिया गया है ना। तो ये जो स्टेप आपको इतना दिख रहा है डिनोमिनेटर का, ही कॉन्जुगेट करा दीजिए। मीन्स cos a माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a माइनस 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए आगे आपके पास क्या मिला होगा। जैसे ही आप cos को मल्टीप्लाई cos में करा रहे होंगे, cos स्क्वायर आ रहा होगा। आफ्टर दैट आप 1 का मल्टीप्लाई कॉस में कराएंगे तो आपके पास कॉस आएगा, प्लस साइन का मल्टीप्लाई कॉस में कराएंगे तो साइन ए कॉस ए आएगा। ओके, माइनस फिर आप 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ के सभी टर्म में इंडिविजुअल कराएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि जब 1 में करा रहे होंगे तो माइनस का चल रहा होगा 1 माइनस साइन ए, और फिर आप आगे देखें कि जैसे ही आप 1 माइनस साइन ए का साइन ए में कराएंगे तो माइनस साइन ए है और यहां पर आ रहा होगा 1 माइनस साइन। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। देखो दो लाइंस में आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, इसके बाद में शॉर्ट हो जाएगा। नीचे आप देखें कि जब भी डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, कॉन्जुगेट कराया आपने, तो आइडेंटिटी बन रही होगी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए का होल हाफ स्क्वायर। मीन्स इसे आप ए कंसीडर करें, इसे आप बी कंसीडर करें। ओके, देन आप देखें कि आपके पास क्या रहा होगा, और यहाँ पे हम क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, आप देख लेना। यहाँ से देखें आपके पास क्या आएगा, मैं ऐसे ही टर्म को ऊपर करता जाऊंगा। आप देखिए कॉस स्क्वायर है ये, आप लिख दीजिए ऐसे ही कॉस स्क्वायर है प्लस, ये आपके पास कॉस ए है कॉस ए रख दीजिए प्लस, ये आपके पास साइन ए कॉस है ये आप ऐसे ही रख दीजिए साइन ए कॉस है,
माइनस, अब कॉस ए का मल्टीप्लाई, जब कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा होगा बेटा कॉस ए माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस ए। और आप आगे देखिए कि जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन प्लस का साइन ए, और थोड़ा सा आगे देखिए कि जब माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे वन में तो माइनस का साइन ए और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जो आपका डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या है कॉस स्क्वायर माइनस, अब आप देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स टू साइन ए। ओके, अब आप देखें यहां पर कि जो अगला टर्म होगा इसको आप ध्यान से देखिए कि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हुआ, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये आपके पास माइनस का बना रहा है तो ये स्टेप लीजिए और ये लीजिए इन दोनों को मिला के प्लस का वन बना और यहां पर माइनस का वन है जिससे कि ये कैंसिल आउट होगा मीन्स नेगलाइजेबल कर देगा इसको, तो इसको इससे और इसको मिला करके हटा दीजिए। ओके, अब आप देखिए आपके पास कॉस ए प्लस का, यहाँ पे साइन देखो माइनस का है साइन ए प्लस का, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये प्लस का कॉस ए है ये माइनस का कॉस ए है इससे ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास बच क्या रहा है देखें आप टू साइन ए कॉस ए आपका। अब नीचे देखते हैं कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बनेगी ये क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स देखिए कॉस स्क्वायर है जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये माइनस का वन माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का टू साइन इतना टर्म मिलेगा आपको। ओके, अब आप क्या कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स टू साइन ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए को यदि मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कॉस स्क्वायर को हमने रखा वन माइनस साइन स्क्वायर है और ये माइनस वन पहले से ही है आपके पास, ये माइनस का साइन स्क्वायर है पहले से ही है माइनस का टू साइन ए भी पहले से ही। ओके, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस का वन ये माइनस का वन ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है माइनस का टू साइन स्क्वायर हो गया, आप देखें यहाँ पर आ रहा होगा टू साइन ए कॉस ए अपॉन माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आप देखें सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आपने देखा था हम वन माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर तोड़ रहे थे तो यहां पर आपके पास में माइनस मिल रहा था इसको आप सही कर लेना। ओके, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा यहाँ प्लस रहेगा और आप देखिए यहाँ पर इस प्लस टू साइन ए को पहले रखिए और माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है आप बाद में रख दीजिए तो माइनस का टू साइन स्क्वायर हुआ, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप आगे देखें टू साइन ए कॉस ए अपॉन, आप यदि यहाँ पर डिनोमिनेटर में टू साइन ए कॉमन करते हैं आपके पास वन आता है और यहाँ पर साइन ए आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टू साइन ए से टू साइन ए कैंसिल आउट करेंगे आपके पास आ रहा होगा कॉस ए अपॉन वन माइनस साइन ए, वन मोर अगेन टाइम मीन्स एक बार और आप यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हैं मीन्स आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, और जैसे ही एक बार आप कॉन्जुगेट करेंगे आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी कॉस ए वन प्लस साइन ए अपॉन, आप देखें ये वन माइनस साइन स्क्वायर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर, ये आपके पास कॉस ए है वन प्लस साइन ए एंड यू नो वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल कॉस स्क्वायर, जैसे ही आप कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में रखते हैं एक स्क्वायर से कॉस कैंसिल होता है और आपके पास बच रहा होता है वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप ध्यान से देख लें कि जब क्वेश्चन को हमने करना शुरू किया था तो वहां पर कॉस ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पहले रख लिया था फिर हमने वन प्लस साइन ए और नीचे वन माइनस साइन ए ये रखा था फिर हमने
डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर था क्वेश्चन का, उसका हमने कॉन्जुगेट करा दिया। और जैसे ही कॉन्जुगेट कराया आपके पास में टर्म आए, और जब हमने इनको सॉल्व करना शुरू किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब हम क्वेश्चन आपको एक और बताना चाहेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन होता है आपके पास। tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और इसको हमें प्रूफ करके लाना है sec स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए माइनस 2। ओके, हाँ यही है आपका क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं tan स्क्वायर ए है प्लस cot स्क्वायर ए है। अब ध्यान दीजिए, आपने सीखा हुआ है tan स्क्वायर ए को हम रख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1, और cot स्क्वायर ए को हम रख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख रहे होंगे तो आपके पास क्या रहा होगा, आप देखें sec स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, प्लस यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे रख रहे होंगे cosec स्क्वायर ए माइनस 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ये sec स्क्वायर ए है, ये प्लस का cosec स्क्वायर ए है, और यहाँ पर आपके पास माइनस 2 है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, समथिंग इज रॉन्ग हेयर। या तो आपका क्वेश्चन में रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो इनटू दिखा रहा है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्विंग के दौरान ये कैसा आ रहा है, आपका प्लस में आ रहा है। मैं इसको और थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर, यदि मैं इसको 1/cos² कर लूँ, और इसको 1/sin² कर लूँ, और ये माइनस कर दूँ, जैसा है वैसा ही है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जैसे ही हम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एलसीएम ले रहे होंगे, उस दौरान आपके पास आ रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, ये आपका माइनस 2 है, माइनस 2 को आप अलग ही रखिए, यहां पर कोई भी काम ना करिए, इसको आप ऐसे ही रखिए। ओके, अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पर 1 आ रहा होगा, और जब 1 आएगा तो ये 1 देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका माइनस 2 जैसा है वैसा ही है। 1/sin² cosec स्क्वायर होता है, 1/cos² sec स्क्वायर होता है। तो अब आप इसको लिख रहे होंगे sec स्क्वायर ए डॉट cosec स्क्वायर ए माइनस 2। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपने देखा कि जो आपने बेसिक आइडेंटिटीज सीखी हुई थी उनका यूज करते हुए इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम पढ़ते हैं लेवल 2 पर, और वहां पर भी आप देखेंगे कि हमें आइडेंटिटीज पे ही वर्क करना है, किस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। और आपके क्वेश्चन का लेवल अगर 2 है तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से अच्छे टाइप के मिल जाए। ओके, तो आपको पैसेंस बना के रखना है और एक ही क्वेश्चन को बस इसी तरह से देखते रहना है। तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स लेवल 2 पर। लेवल 2, लेवल 2 के क्वेश्चन आप देखेंगे, उसका मैं पहले ही क्वेश्चन ले रहा हूं। आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपके पास बुक है तो देखिए, इफ क्वेश्चन का नंबर मैं डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर है 58, क्वेश्चन नंबर है 58, इफ एक्स इज इक्वल ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, एंड y इज इक्वल आपके पास दिया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स
ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें इसको ध्यान से कि क्या करने की अप्रोच होगी इसकी। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिए कि ये तो हमारे लिए हेल्प के लिए दिया गया है कि इनकी हेल्प से हमें काम करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्यों ना आपको ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहे हैं जैसा कि है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू आपके पास ये इस तरह से दी गई है और वाई की वैल्यू आपके पास ये इस तरह से दी गई है। तो यदि एक्स और वाई को इन वैल्यू के हिसाब से रिप्लेस करा दें तो आप देखें आपके पास क्या रहा होगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ये आपने वैल्यू रखी ओनली एक्स की जगह, इसका आपने स्क्वायर कर लिया। ओके, माइनस वाई की वैल्यू आप देखें आपके पास है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा और यहां पर आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि वाई का स्क्वायर। अब आप देखें आपने जो बेसिक आइडेंटिटीज मींस क्लास फिफ्थ में एल्जेब्रा आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है वहां पे आप देखें कि यदि मैं इसको ए कंसीडर करूं, इसको बी कंसीडर करूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी आएगा। तो जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे मींस एक्सपेंशन में लाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, माइनस आप इसको अभी एक ब्रैकेट में ही रखिए, माइनस लगाया और आप यहां से बढ़ लीजिए, यहीं से मैं नीचे कर रहा हूं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा और टेन थीटा सेक थीटा कुछ भी। अब आप देखें ध्यान से कि जैसे ही आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो आपके पास यहां पर ध्यान दें ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। अब आप देखें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने सारे साइन चेंज होंगे मीन्स ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। मीन्स यहाँ पर ये भी माइनस है और यहाँ पर ये भी माइनस है, सभी साइन माइनस हो गए। आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है। ओके, और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। तो आप यहाँ पर यदि टू ए बी और ये टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा को कैंसिल आउट करें क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो आपके पास जो बच रहा होगा वो डियर स्टूडेंट्स ये होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान देना है, मैं कुछ पार्ट को रफ कर देता हूं यहां से और आप यहीं पर देख लें कि जैसे ही आप ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, मीन्स जैसे ही आप ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे मीन्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहां पर देखें ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड यहां पर देखें प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं माइनस के बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को पहले रख लेता हूं और प्लस के बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को बाद में रख लेता हूं। ओके, अब यहां पर आप जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन कर रहे होंगे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यहां पर यदि आप माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर रहे होंगे तो आपके पास आ रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एंड डियर स्टूडेंट्स आप खूब जानते हैं इसको हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो तो वन होता है। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो ये वन आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू वन मीन्स ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इंटू वन मीन्स बी स्क्वायर। और आप देखें कि यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल एम। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल एम एंड एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल एम एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल एम। देन आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, देन prove that m dot n is equal 1। आप वैसे ही करें इसको जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है मे बी 60। ओके, आप देखें कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ आपको वैल्यू दी जा रही है, तो यहां पर आप दिखा सकते हैं गिवन क्या गिवन है आपके पास। m is equal गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यह आपके पास गिवन है कोसेक थीटा माइनस। ओके, अब आप देखें कि हमें जरूरत क्या है, हमसे ये कह रहा है कि यदि आप यम और यन का प्रोडक्ट निकालें तो वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ही ले लिया, आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर आपने देखा कि m डॉट n है, जहां पर m की वैल्यू है आपके पास cosec थीटा प्लस cot थीटा, और n की वैल्यू यदि आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है cosec थीटा माइनस cot। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहां पर आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, यदि आप इसको a कंसीडर करें इसको b कंसीडर करें, क्योंकि वैल्यू सेम सेम आ रही है, साइन का डिफरेंस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए ये हमेशा वन होता है। तो यहाँ पर अब हम आगे दिखा सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, और यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसको मैं थोड़ा सा और आगे से ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन यहां पे छोड़ रहा हूं। 62 नंबर एक क्वेश्चन है आपके पास, 62 नंबर क्वेश्चन, देखें आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास दिया जा रहा है Tn इज इक्वल इफ इफ Tn इज इक्वल साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। तो आपसे कह रहा है प्रूव दैट T3 माइनस T5 अपॉन T1। एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, हाँ सही है, और आगे आपको दिया जा रहा है इज इक्वल T5 माइनस T7 अपॉन T3। आप देखें कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले T1, T3, T5 एंड T7 इनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखें कि आप जानते हैं कि जो हमारा m होता है ये एक पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर को। और यदि मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, यदि इनके सेट की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 एंड मैनी मोर। ओके, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं,
तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहां पर जैसे आपके पास दिया जा रहा है, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे tn इज इक्वल साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, मींस जब आपके पास में n होता है तो साइन और कॉस की पावर में nn होता है, लेकिन जैसे ही आप n की वैल्यू को 1 डालते हैं यहां पर तो आपके पास वैल्यू आती है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओनली, क्योंकि पावर 1 होगी। फिर आपकी जरूरत और किसकी है, t3 की है, तो जैसे ही n की वैल्यू को आप 3 डालते हैं यहां पर आपके पास आ रहा होता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जरूरत और है आपके पास t5 की, तो सिमिलर यहां पर t5 थीटा होगा और यहां पर cos 5 थीटा होगा, और इसी तरह से 7 होगा sin की पावर 7 थीटा प्लस cos की पावर 7 थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि आप क्या करना है। सबसे पहले आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सबसे पहले आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ये आप यहां पर दिखा सकते हैं ऐसे गिवन, ये आपको दिया गया है, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये दिया गया था और इससे आपने ये निकाला। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में जब आप काम कर रहे हैं तो देखिए कि कैसे कर पा रहे होंगे आप, t3 माइनस t5 अपॉन t1, आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर t3 की वैल्यू है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, माइनस लगाया, t5 की वैल्यू जैसे ही रखेंगे क्योंकि माइनस है तो जो 2 और मोर देन टर्म होंगे वो सभी माइनस के होंगे, निगेटिव होंगे, तो यहां पर आपके पास आ रहा होगा t टू द पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा अपॉन, आप नीचे देख पा रहे हैं आपके पास 1 है तो यहां पर होगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे जैसे ही आप sin की टर्म को एक साथ लेंगे cos के टर्म को एक साथ लेंगे तो आपके पास क्या आएगा sin क्यूब थीटा माइनस sin पावर 5 थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस cos टू द पावर 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि जैसे ही आप sin क्यूब थीटा न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे, जैसे ही आप sin क्यूब थीटा न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस आप जैसे cos क्यूब थीटा कॉमन करेंगे आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे है आपके पास sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब आप देखिए आपने सीखा हुआ है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर थीटा, तो आप रखिए यहां पर sin क्यूब थीटा और ये आपके पास आया cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर देखें ये आपके पास cos क्यूब थीटा है और ये आया sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि जब आप न्यूमरेटर से एक साथ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन कर रहे होंगे आपके पास पहले टर्म में sin थीटा होगा दूसरे टर्म में cos थीटा होगा अपॉन, आप निश्चय देखेंगे ये प्लस चल रहा था सॉरी cos थीटा और ये प्लस, यहां पे देखिए ये sin थीटा होगा प्लस cos थीटा होगा, आप जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे आपके पास वैल्यू आ रही होगी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि अभी जो हमने यहां पर काम किया वो केवल लेफ्ट हैंड साइड का था और लेफ्ट हैंड साइड में आपने काम करके आपने निकाल दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को। अब इसी तरह से यदि क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को लिया जाए और उसको करके देखा जाए तो उसकी वैल्यू भी यदि यही आ गई sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा तो हम कह पाएंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप
राइट हैंड साइड को भी देखें कि राइट हैंड साइड के करने का क्या अप्रोच है। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे ध्यान दीजिए, तो आपने रखा t5 माइनस t7 अपॉन t3। ओके, अब आप यहां पर वैल्यू रखिए। आप जैसा कि देख पाए हैं अपने लेक्चर में कंटिन्यू क्वेश्चन है, t5 मींस sin टू द पावर 5 थीटा प्लस cos टू द पावर 5 थीटा। ओके, और अब जैसे ही आप t7 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि माइनस है तो सभी टर्म नेगेटिव, मींस माइनस sin टू द पावर 7 थीटा माइनस cos टू द पावर 7 थीटा अपॉन t3 मींस sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। ओके, आप देखें ध्यान से, जैसा आपने पहले टर्म लेफ्ट में किया वैसा ही राइट में करें, sin की पावर 5 थीटा माइनस sin की पावर 7 थीटा मींस sin sin के टर्म को एक साथ रखो और cos cos के टर्म को एक साथ रखो अपॉन sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। ओके, आप देखें कि जैसे ही आप साइन की पावर 5 थीटा कॉमन करते हैं इन दोनों टर्म से, मींस इससे और इससे, तो यहां पर 1 और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आता है एंड प्लस, देन जब आप इसमें और इसमें cos की पावर 5 थीटा कॉमन करते हैं तो आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आता है। ओके, आप डिनोमिनेटर को जैसा है वैसा ही रख दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें साइन की पावर 5 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने सीखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉस की पावर 5 थीटा और ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आया अपॉन साइन पावर 3 थीटा प्लस कॉस पावर 3 थीटा। ओके, आप देखें कि सम होल जो न्यूमिनेटर है तो वहां से यदि आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक साथ कॉमन करते हैं तो आपके पास आता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब आप देखिए इससे कैंसिल आउट हो रहा है और आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड किया और राइट हैंड साइड को वैल्यू फाइंड करके फाइंड किया, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो इज इक्वल है, मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ, आप लिख सकते हैं आंसर प्रूव। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इन क्वेश्चन के नोट जरूर बनाना जिससे कि आगे आपको हेल्प मिलती रहे, या आप इस तरह से वॉच करें कि आपको समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 76 नंबर आपके पास क्वेश्चन होता है। 76 क्वेश्चन बेटा, x अपॉन a cos थीटा, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल 1 एंड और दिया जा रहा है आपके पास x अपॉन a sin थीटा x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इज इक्वल 1। और आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर प्रूफ करके दिखाइए, आप प्रूफ दैट यदि ऐसा है देन प्रूफ दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सॉरी प्लस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है और आप इसको कैसे कर पा रहे होंगे, आप देखें यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं आपके पास वैल्यू दी गई है x अपॉन a, चलो सॉल्व कर लेते हैं
यहां पर जो गिवन है पहले आप इसको दीजिए, गिवन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल 1। यहां पर आपके पास है x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इज इक्वल 1। यदि मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दूं, इसको सेकंड का नाम दे दूं, और फिर मैं क्या करूं, एडिंग विथ स्क्वायरिंग बोथ क्वेश्चंस ऑन बोथ साइड। आप समझिए इस बात को कि यदि मैं दोनों ही क्वेश्चंस के दोनों पक्षों का लेफ्ट और राइट साइडों का स्क्वायर कर दूं, आफ्टर दैट उसको ऐड कर दूं, तो उसके बाद जो होगा वो हमें कुछ आगे मिल रहा होगा। बट अभी जो हमने ये दिया एडिंग विद स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस ऑन बोथ साइड, मतलब स्क्वायर दोनों इक्वेशन के स्क्वायर करें, जो रिजल्ट है उसको आप ऐड कर दें। और जैसे ही आप ऐसा कर पाएंगे आप देखें आपके पास क्या आएगा। देखो मैं लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ रहा हूँ एक साथ, और यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो फार्मूला भी एक साथ ही लगाऊंगा, तो प्लीज इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आया फर्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड के होल स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एंड देन आप जा रहे होंगे सेकेंड क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ रहा होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको मैं थोड़ा सा चलो इधर ही लिख देता हूँ, माइनस का 2xy अपॉन a b साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल में क्या होगा, राइट हैंड आप ऐड कर रहे होंगे स्क्वायर करके, तो 1 1 2 होगा, तो ये 2 आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और फिर देखते हैं आपके पास क्या बचता है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आप देखेंगे जैसा आपने ऐसे कर दिया, अब आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड आप आगे देख रहे हैं कि ये है फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। आप कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सॉरी एक्स और एक्स के टर्म को एक साथ और वाई वाई को एक साथ रख लो, तो ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, यहाँ से हमने ये कॉमन कर लिया, ऐसे कॉमन किया। आप देखेंगे जब हमने ये कॉमन किया इससे और इससे, तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एंड डियर स्टूडेंट्स प्लस लगा के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर भी कॉमन करो, तो ये आ रहा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। और आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इन ईच एंड एवरी एंगल के लिए हमेशा 1 होता है, तो जब आप इसको वैल्यू डाल रहे होंगे 1, तो ये आपके पास आ रहा होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, सॉरी राइट हैंड साइड कह रहा हूं, मींस हैंस प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये जो आपका आइडेंटिटीज वाला मतलब एक्सरसाइज चल रहा था अभी, जिसमें कि हमने लगभग 50 नंबर तक के क्वेश्चन तो हमने 1 by 1 करा ही दिए हैं, अब आप इनको अपने आप करने की कोशिश करें, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप करें, और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। जब आपका कमेंट आएगा कि सर ये क्वेश्चन आप और करवा दीजिए, तो मैं उनको भी डिस्कस कर दूंगा। ओके,
तो आज आपका जो टॉपिक था यहीं पे ही ओवर होता है, मीन्स आइडेंटिटीज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जहाँ पर आप मोस्टली पढ़ रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, मीन्स नए इसी के नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, इन क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़।